केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व ठेका श्रमिकों को दिए जाने वाले पेंशन के तौर पर दिए जाने 1000 रुपये को इस महंगाई के दौर में नाकाफी मानते हुए बीएमएस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मैं सुरेंद्र कुमार राठौर हूँ, ऑल इंडिया एनटीपीसी मजदूर महासंघ का अध्यक्ष का दायित्व। आज के मुद्दे को लेकर आप लोगों ने यहाँ पे क्या पहुँचा? आज सिर्फ हमारा एक ही मुद्दा है, EPS 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995, जिसमें लगभग 30 लाख मजदूर कवर होते हैं। लेकिन 1995 से लागू इस योजना में अभी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये है। आप ही बताइए, इसमें आज किसी श्रमिक का परिवार जिंदा रह सकता है क्या? इसलिए भारतीय मजदूर का कहना है कि मिनिमम इस पेंशन को 5000 करें और साथ ही उसमें डीए को लिंक करें। एक तीसरा हमारा इसमें एक और मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में आदेश कर दिया था कि 1995 से जो श्रमिक अपने वास्तविक बेसिक प्लस डीए का 8.33% देकर वास्तविक पेंशन लेना चाहते हैं उनको अवसर दिया जाए। पर 2 साल से विषय पेंडिंग है सरकार के पास। आज हमने केंद्र सरकार को पूरे देश भर में, भारतवर्ष में, भारतीय मूल संघ के तत्वावधान में जिला मुख्यालय के माध्यम से हमने ज्ञापन छाप कर अपनी इन तीनों मांगों को पूरे करने का आग्रह किया है। केंद्र में आपकी सरकार है तो क्या लगता है कि मांगे पूरी होंगी? केंद्र में हमारी सरकार ने, भारतीय मूल संघ विशुद्ध गैर राजनीतिक मजदूर संगठन है, लेकिन देश का एक नंबर का श्रम संगठन होने के नाते श्रमिकों के समस्याओं से के लिए लड़ना, सरकार को प्रेरित करना, जागृत करना और उसको उद्दीलित करना, ये उसका दायित्व है। इसलिए भारतीय मूल संघ उस दायित्व को निभा रहा है। 1000 के लोग हमारे सरकार में हैं, इसलिए हमारी बात दूसरे माध्यम में शुरू वहां तक गई है।